उसके बारे में आप क्या कहेंगे? केपीके का एक विद्यालय है जो कि बहुत अब्यूज करके यूज करता है अपनी सीट को मिस यूज करते हुए। दूसरा आपके इमरान खान का कौमी सियासत में क्या हो सकता है? नवाज शरीफ ने ऑडियो की बात की कि मेरे पास ऑडियो है, उनकी बेटी कहती है कि मेरे पास वीडियोस हैं, और माशाल्लाह आपका भी मोबाइल भरा हुआ है, हमें नहीं पता कि कौन सी वीडियो से भरा पड़ा है, डाउनलोड करते हैं या वैसे। तो सवाल यह है कि आप एक सियासी जमात की बात करेंगे, वो लाशों की सियासत चाहती है, तो जब एक सियासी जमात को आप एक इस्लाम आबाद से 30 किलोमीटर बाहर जलसे की इजाज़त दें, और फिर दो शहरों को आप 10 करोड़ 63 लाख के कंटेनर ला कर कौमी खजाने पर खर्च करके बंद कर दे, तो फिर आप कहेंगे 2018 में हमने ये तरमीम का केक के साथ 2024 में भी तो इलेक्शन चोरी किए, लेकिन आपने आज तक जो इलेक्शन चोरी करवाते हैं, जो हुकूमतें बनवाते हैं गिराते हैं, जो लोगों की गाँव बहनों बेटियों को उठा के जबरदस्ती एक जमात को छुड़वाते हैं, सादुल्ला बलोच की बीवी और बेटी को उठा लिया गया, आपने एक लफ्ज नहीं लिखा इस पे, एक लफ्ज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आपने उन गैर जमहूरी कुतों के आप उसको जस्टिफाई करते हैं, आप उसके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। 18 चोरी है, करप्शन है पॉलिटिक्स अंदर, बहुत नॉर्मल सी चीज है, आपको कभी बुरा ही लगता कि चोर है। अच्छा चोर है, कितनी चोरी? 100 करोड़। अच्छा छोटा चोर है, ये आप उनको कुछ दोहराए भी दिया है, पोलराइज कर दिया, गर्दन बदल। ठीक है, मैंने अभी एक ऑडियो के मेरे साथ शो कर दिया, पूरे पाकिस्तान को मैंने चैलेंज किया है, जाए पूरी दुनिया में मुझे प्रूफ करें मैं रहा हूँ, मैंने झूठी चीज दी है, मैंने वो कट पेश कर दी एक चीज। मैं आज भी कह रहा हूँ कि देखिए दीद मुरवत लिहाज बहुत हो गया, मुझे उस दौराए पर ना लाया जाए कि मुझे अपने फोन से आप सबके आगे चीजें रखनी पड़े कौम के आगे, और उस वक्त जब ये कौम किसी को सर पे बैठाती है तो अपने पैरों के नीचे लाते हुए डेरी लगाती है, हमारी जज्बाती कौन प्यार भी खुल के करती है और नफरत भी खुल के करती है। मैं बार बार इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि इस सिचुएशन पर ना लाए जहाँ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल। देखिये सबसे पहले तो ये कि मैं उसी कैपेसिटी मात्रा में कैपेसिटी में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन कोशिश हर बार रहती है कि मुझे ना आया करके तस्वीर के गिरा दिया जाए, लेकिन हर बार अल्लाह की मेहरबानी मैं लोग आया था, तो मैं एक सिटिंग सेनेटर भी हूँ, और मैं तो पाकिस्तान की बात करता हूँ, मैं आपकी बात करूँगा, आप मेरी बात करेंगे, हम इख्तलाफ हो सकता है बात करने के ऊपर इशूज के ऊपर। देखिए घटिया वीडियोज का मैं कायल नहीं हूँ, वो तो मेरे कम में बहुत गरीब हूँ, लेकिन उसको मेरा इंटरेस्ट नहीं हूँ, रात जिंदगी का रास्ता रास्ता करना मैं नहीं जाता, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट अंदर खाने क्या और बाहर खाने में क्या क्या करेंगे उससे रिलेटेड, क्योंकि मेरे वतीत लिहाज है आज की खान साहब की माँ पे या बहन पे कोई बात आएगी तो मैं कैसे कहूँगा आपकी माँ नहीं करूँगा अपनी बहन माँ नहीं करूँगा, लेकिन ये सिचुएशन के अंदर मैं मेरा भी जो मकसद है मुझे कि मैं अलार्म कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपकी तरफ से कर रहा हूँ कि अगर एक कत्लो भाड़ा खोल दे, लेकिन अगर आपने स्टेट की रेट को चैलेंज किया नवाज शरीफ ने ऑडियो की बात की कि मेरे पास ऑडियो है, उनकी बेटी कहती है कि मेरे पास वीडियोस हैं, और माशाल्लाह आपका भी मोबाइल भरा हुआ है, हमें नहीं पता कि कौन सी वीडियो से भरा पड़ा है, डाउनलोड करते हैं या वैसे। तो सवाल यह है कि आप एक सियासी जमात की बात करेंगे, वो लाशों की सियासत चाहती है, तो जब एक सियासी जमात को आप एक इस्लाम आबाद से 30 किलोमीटर बाहर जलसे की इजाजत दें, और फिर दो शहरों को आप 10 करोड़ 63 लाख के कंटेनर ला कर कौमी खजाने पर खर्च करके बंद कर दे, तो फिर आप कहेंगे दोष उनका है, ये क्या बात हुई? आप आईनी हक भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, आप भी मेरे ख्याल से खाले बंद उसकी पॉपुलरिटी देख पैसा बनेंगे। मैं भी सवाल कर रहा हूँ, सवाल आपका फिर आके देखिए, एहतजाज करना पुराना एहतजाज करना टाइमिंग पर एहतजाज करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं मिसाल दूँगा, मेरे घर में वफात हुई और आप ढोल बाजे लेके आएंगे तो जीते ही आएंगे ना, मैं कहूँगा मेरे घर में भैया तक आप ढोल बाजे के रात उगे कर आए इंटर हो रहे थे मुझे मालूम, इस तरह जब मुल्क की
किस्मत बदलनी हो या बेहतरी की तरफ जा रहा है, थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जा रहा है, अच्छाई की तरफ जा रहा है। मैंने आपको चीजें गिराया, मुझे चैलेंज करें ना, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पेट्रोल और सस्ता होगा, डॉलर 350 मिला था इसी पीडीएम की हुकूमत से, 345-345 ₹55 नीचे, ₹500 बाद में नहीं था। IMF का प्लान हो गया, 9 सेंट की बिजली आपको इंडस्ट्री को मिलेगी, इंटरेस्ट रेट नीचे गिर गया, करंट अकाउंट डेफिसिट बैलेंस पर आ गया, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, गरीब जो बच्चे मजदूर हमारे भाई लोग कमा रहे हैं वो सब दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, पेट्रोल जब सस्ता होगा तो महंगाई महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो शायद मुझे आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन लोगों को है कि वो 3 रोटी की जगह 2 रोटी देते हैं, 2 रोटी की जगह 1 रोटी देते हैं, गुणबत तो मुल्क अंदर देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि दूध की नहरें PTI ने बाई थी और नून लीग ने बाई थी और स्वयं सोप और सबने बढ़ाई पड़ा है, किसी ने नहीं किया, ये एक्सपायर शेफ लोग, इनसे आप यही तवक्को कर सकते थे, जिनको तवक्को आपको है। लेकिन एट द सेम टाइम जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वल्लाह आलम 72 घंटे अगले हफ्ते गिरे पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर डूबी आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, अच्छी बड़ी खबर आ रही है, PTI भी उसके अंदर टटकी की कोशिश में है, तेलका जोर लगाया था हमने, अगर SIFC का क्रेडिट है तो मैं बताया मैं क्या करूं, मैं कैसे कहूं कि क्रेडिट इनका है इनका है, कहते मैं ही SIFC का क्रेडिट, और SIFC की जब बात करते हैं, आज आपको पहले मेरे अखबार में जब मैं पार्टी में था कौन कर मुल्क क्यों बुरा, हमें हमारे अंदर ये एनर्जी जो क्रिएट की हर बात पे गवर्नमेंट से बात करो, PTI से बात करो, भाई साहब तुम खरीदते हैं मुझे बोलने की जरूरत तो रखो, फौज की बात करो भाई, चलो फौज की बात, फौज की अच्छी चीज़ें सराएंगे, गलत चीज़ें खड़ा हुआ ना मैं आपके सामने, मैं मेरी कोई औकात नहीं है, मैं तो आपसे भी कमजोर हूँ, लेकिन फैर अली का भी खड़ा हुआ ना, जब वो यूनिफॉर्म में टी जाए कि कुछ भी बैठा हुआ था परेशानियाँ तो मेरी अल्लाह तवक्कुल था, मैं कोई फरिश्ता नहीं, लेकिन ईमान मजबूत है, 2 साल से पार्टी छोड़ के बैठा हुआ हूँ या निकाला गया हूँ तो क्या हो गया, मेरा रिश्ता चला गया, मेरी जिंदगी चली गई, मेरे लिए मुश्किल हो गई, क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, मैं आजाद हूँ, मैं गुलामी को नहीं एक्सेप्ट कर सकता था, जिधर डिक्टेटरशिप हो जिधर मुझे कहा आग लगा दो बंदे मार दो, मेरा मैंने खान साहब के लिए मॉरली इमोशनली फाइनेंशियली जो काम किए 3-4 आदमी थे पार्टी के अंदर, जिन्होंने वो किया करीम साहब थे, अलीम खान साहब थे, कहाँ है पुरानी पार्टी किस तरह था, मैं तो उन बुजदिलों में से नहीं हूँ जो 9 मई वाक्या कहता हाथ उठा के पीछे बांध के दास्तान दाढ़ी लगा के बाल बड़े करके सफेद लगा के आ गए कि जी हम अब सियासत भी मैं देखा तुम सुन मैं उस पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ अरूज पे थी और इमरान खान साहब चांद पे बैठे हुए थे उस टाइम पे मैंने सर्वाइव किया और मैं निकला बाहर क्योंकि मेरे इधर से बात की उसके बारे में आप क्या कहेंगे, केपी के एक विद्यालय है जो कि बहुत अब्यूज टाइप यूज करता है अपनी सीट को मिस यूज करते हुए, दूसरा आप इमरान खान का कौमी सियासत में क्या मुस्तकबिल देखते हैं। देखिए जहाँ तक आप सीएम केपी की बात करें, गाली देने से मैंने आपसे रसी कहा, अब मैं तो कराची वाला हूँ, गालियों में इतनी स्पीड है कि 4 साल नीचे रह गई, तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने खुद तो फील किया है हर शोबे के अंदर, लोग कहते जेब पे भी है, दिमाग की गर्मी भी है, जज्बात की गर्मी भी है, जबान की गर्मी भी है, सब कुछ है, प्रॉब्लम यह है कि आप गाली या बदबाकी से चीज़ें ठीक नहीं कर सकते, आप उन्हें सलाम करेंगे आपके जवाब में सलाम ही मिलेगा, इज्जत देंगे डबल इज्जत मिलेगी, बदमाशी करेंगे डबल बदमाशी मिलेगी, तो मैं बहुत मुताहत होकर लफ्ज़ चुन रहा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे साथ आप लोगों को फिर बाकी तरह के लिए जाना पड़े, तो मैं बड़ा क्लियर हेड होकर आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाहता था कि इमरान साहब खान साहब का मुस्तकबिल सियासी जिधर जिससे रोक रहा था उधर तक वो चले गए और अब जिस जगह पर जा रहे उसका आखिरी की वो टोक रहे हैं सियासी का पटे, इसके बाद कोई कमिंग बैक नहीं है, बड़ी क्लैरिटी है, ना फैज अमीर सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, आप लोग भी हंसते थे कि कुछ नहीं होगा, अगर नहीं होगा फलाना होगा, कोर्ट मार्शल बात होगी सजा होगी, मुल्क से बड़ा कोई नहीं, इसी तरह इमरान खान साहब का 190 मिलियन का केस है या 9 मई का केस है या जो अब होने जा रहे हैं, इसका पर्चा 302 का जो लोग कोई अगर माना बताना पड़ता है किसके ऊपर कटेगा, इंस्टिगेट करने के ऊपर, वायलेंस क्रिएट करने के किसके ऊपर जाए,
इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं गंडापुर ने जो बातें की हैं मैं कहता हूँ गलत बातें की हैं, मैं कंडेम करता हूँ। आप लीडर को चूमते हैं, आप कहते हैं लीडर माहौल देता है, आप यहाँ मुझे माहौल दे रहे हैं कि मैं आप मेरी बात सुन ले, अगर आप यहाँ आग लगा दें मुझे गालियाँ देना शुरू कर दें पत्थर मारना शुरू कर दें मैं कैसे बात करूँगा। तो मुस्तकबिल ब्लीक काला काटा नहीं ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल जो साथियों से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने ये कहा कि 25 अक्टूबर के बाद अगर आईनी तरमीम आई तो फिर शायद ना हो सके, इस वजह से हम चाहते हैं कि पहले हम इसको कर लें। दूसरी बात ये बता दें कि पहले भी आपने अर्शद शरीफ के हवाले से उस वाले हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी बड़ी बातें की थी, अभी भी आपके पास ऑडियोज मौजूद हैं, अभी ऑडियो लीक्स केस भी सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है, तो क्या आप ये सारी ऑडियो लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ताकि ये जिनको आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ है ये भी नंगे हो जाए, जो कुछ आपके पास है वो भी हो जाए, एक बात तय हो जाए। लेकिन राकेश आपसे बात की, मैंने जो तीन बार आज तक की आप लोगों से उसको साबित किया है, सबूत का मुझे सभी चीजें मेरे पास हैं, मैं उनको दूंगा, प्रोवाइडिंग किसी का इंटरेस्ट हो अच्छा मेरे पास केस खोलने के लिए, उसका केस खोलने के लिए क्यों सब दाएं बाएं खाए हो रहे, सोचे तो ना आपके कि इस अर्शद शरीफ को शहादत का फायदा किसको हो रहा, कॉमन सेंस की बात है ना। मैं तरीके साफ के लोगों से मुखातिब हूँ कि आप प्यार करते बिल्कुल प्यार करते, लेकिन जरूरत तो करें सही बात को सही कहने की। हम तो काबीनामे पे सीधी बात करते, देवानी बोल रहे थे मिनिस्टर का, हमने तो कभी नहीं सुनी, और खान साहब ने हमेशा इधर से पेश आए, एक ही साल के ऊपर जब खड़ा हुआ था तो उन्होंने मुझे डांटा, तो मैंने कहा सर मैं ठीक बात कर रहा हूँ मैं आपको करने नहीं दूंगा, और मैं तो जो बातें खान साहब से करके उठा तो मैं उनमें से नहीं था, बेशर्मों से। आज भी बहुत सारे लोग असेंबली में पार्लियामेंट में बैठे हैं, दास्तान सुनाते हैं कि हमारी वालदा की तबीयत खराब हो गई, हमारी तबीयत खराब हो गई, 9 मई के अंदर हम नहीं थे, लेकिन उसी बेशर्मी और बेहाई का पीटीआई सीट नहीं बैठे हूँ। मैं तो उनमें से नहीं हूँ, मैं तो सीट भी वापस की, जब कोर्ट ने मुझे बुलाया तो मैंने मॉरल अथॉरिटी के तहत सीट भी हमारे कोर्ट ने ऑर्डर पर लिखा, जब भरपूर कोशिश हुई पूरे पाकिस्तान में बार बार नाहल करने की, अब बहुत सारी कोशिश चलती रहती है, लेकिन मुझे लगता है वो राजी है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं तो अभी भी समझता हूँ कि जितना जो कुछ थोड़ा बहुत मैं और आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसा नहीं कि मैं कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन मैं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ SIFC को लेकर भी बोल रहा हूँ कि SIFC ने कमिटमेंट दी है, SIFC ने मेहनत की है, IBPs PTI के दौर में भी फौज ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उस वक्त भी PTI के अंदर बैठे हुए लोगों की IBPs ने, आज भी जो हुकूमत वक्त है उनके नाम भी IBPs के अंदर सरे फहरिस्त है, बहुत नेक लोग हैं भाई हम सियासतदान, लेकिन फौज ने जब अपने बंदे को नहीं छोड़ा तो फौज ने IBPs से भी रीनेगोशिएट, उसका क्रेडिट आप देंगे ना, उसका फायदा मुझे और आपको पाकिस्तानी को हो रहा है, महिलाओं को तो कोई फायदा नहीं हो रहा किसी को, ना किसी की कोई ऐसी औकात है, बट अगर कोई ठीक काम कर रहा है और गवर्नमेंट बैठी भी है, फिर आपका सवाल है जी ये फॉर्म 47 किए तो मैंने आपके तवस्सुस से कहा था ये तो छोले का भाई है ना छोला है, मैं आगे भी कह रहा था बिलावल साहब की आपके बात की, मेरी भी 10-12 दिन पहले बिलावल साहब से मुलाकात हुई, क्लियर है क्या कभी आपने वायलेशन की या वायलेंस की बात सुनी आपने, ग्रूम है कुछ छोड़ा पानी तो उनकी बात का तो वही जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 21 अक्टूबर मेरी तारीख पैदाइश है, तो हम आप सब केक खाएंगे इंशाल्लाह, और जो बातें मैंने आपको 3 महीने पहले बता दी है मैं आज भी अपनी बातें ये तरमीम का केक के साथ केक 2024 में भी तो इलेक्शन चोरी की है, लेकिन आपने आज तक जो इलेक्शन चोरी करवाते हैं, जो हुकूमतें बनवाते हैं गिराते हैं, जो लोगों की माओं बहनों बेटियों को उठा के जबरदस्ती एक जमात को छुड़वाते हैं, सादुल्ला बलोच की बीवी और बेटी को उठा लिया गया, आपने एक लफ्ज नहीं लिखा इस पे, एक लफ्ज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आपने उन गैर जमहूरी कुतों के आप उसको जस्टिफाई करते हैं, आप उसके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, क्या उनकी ये डोमेन है कि लोग बहनों और बेटियों को मेरे पंजाब नहीं क्रिश्चियन मेरा EPI एग्जैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद जिन कुतों की आप बात कर रहे हैं उन कुतों की बात फिर आप ये करके मुझे ना बात करें, आप लोग हिम्मत करके बोले फौज आपका इशारा फौज
75 साल इंडिपेंडेंस की तारीख के अंदर बॉर्डर्स पे जो मर रहे हैं फौज की मैं और अपनी पुलिस वाले अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप भी कहते हैं वो जान लेते हैं, आपको भी तकलीफ होगी जान जाने की, लेकिन हमने उनकी जान जाने पे क्या किया उनको आज अच्छा खबर। मैं सबसे पहले गुनाहगार सियासतदान से मिलकर आपको सबसे पहला गुनाहगार पाकिस्तान में अपने आप को समझता हूँ, सियासतदान सारे साथी। अब आप कहते हैं कि फौज कुर्बानी भी दे, फौज आपके लिए जमहूरियत की गवर्नमेंट के काम भी बैकग्राउंड में जाके करे, आपको फायदा भी दे और उसको आप गाली भी दें, आप उसकी डिफेंस लाइन की माबहन भी करें, और ये काम कोई मुल्क में से नहीं कर सकता अगर ये काम आप। जब आप बात करें जी फौज की मदाखलत है, तो आपका सवाल होना चाहिए कि जब सियासतदान रुमाल से लेके कोट से लेके कमीज से लेके पैंट उतारने को तैयार है, पिकनिक को तैयार है, उधर उस मुल्क के अंदर आप किस जमहूरी की बात करें, किस प्रिंसिपल की बात करें, किस पॉलिटिशियन की बात करें, ब्लेम खुद लेना सबसे पहले। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने आपको कहा कि मैं सबसे पहले ब्लेम लेता हूं, बात है जुरत की। अगर एक आदमी आपने अगर 10 काम अच्छे किए, 3 काम गलत किए, तो आपकी सबसे बड़ी सियासतदानों ने 6 काम गलत किए 10 में से, इसीलिए सेप्टेबिलिटी हुई। इसीलिए आप भी अगर जब अटैक करते हैं किसी गलती हो जाए, सियासतदान किसी टारगेट क्यों होता है, क्योंकि हम बिके हुए लोग, हमने सेल्फ इंटरेस्ट के बगैर कोई काम जिंदगी में किया नहीं। और देखिए अल्लाह की मेहरबानी है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ ना, तो मैंने क्लेम किया, मैं सोच सकता हूँ, मैं तब सोच पसंद क्यों नहीं कराता था जब तहरीक इंसाफ पे था, तब सोच पसंद क्यों नहीं कराता था जब एन के पाकिस्तान कराची आने दे रही थी और मैं मेहमान था कराची में एंटी करा था, तब क्यों नहीं आपको मिलता। या आप मुझे आगे बताएं कि मैंने फौज से या गवर्नमेंट से या मेरे बाप दादा ने कोई प्लॉट लिया है, कोई पैसा लिया है, कोई जदाद बनाई, कोई टेंडर लिया, निकाले ना मेरे लिए, निकाल सकते नहीं है। बातें सब करें कि भाई तो मैं जीरो बात ठीक काम, फैज अली मेरा बाप था, फैज अली भी फौजी का डी जी आया था, सबसे ताकतवर आदमी था पाकिस्तान का, आज के दिन भी उस बात करके लोग गलत कर रहे हैं ना, फरमाइशी डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई, कारोबारी प्रॉब्लम भी हुए, किताबें भी खुली, इतनी सितारे में गए, क्या हो गया, अकल थी अल्लाह ने हिम्मत की थी, गुलामी ना मंजूर, मैं तो इमरान खान साहब फौज चल रहा हूँ, वो भूल गए जो पढ़ा उन्होंने पढ़ाया, मुझे तो याद है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ब्लाइंड फॉलोइंग की लिमिट है, आप अपने बाप को भी ब्लाइंड फॉलो नहीं कर रहे, जहाँ आपको मरवाने के लिए जा रहे हैं, गालन गलोच के लिए जा रहे हैं, आग लगाने के लिए जा रहे हैं, मुल्क अंदर कौन सी, आप मुझे बताएं, आप सब मुझे बताएं, आप लोग क्यों शीशे तोड़ रहे, आप लोग क्यों नहीं माइक आग लगा रहे, आप लोग क्यों नहीं माचिस दी जा रहे हैं, हम दर्द लोगों के पास करके आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, सब सवाल कर सकते हैं। अब आप जरा वो डेट भी दे दें कि जब तक 26वीं आनी तरमीम जो है वो मंजूर हो जाए, 21 अक्टूबर मैं और आप साल भर आके खुशी, और जो मैंने आपको 2 महीने पहले बात की थी आपके पास हर चीज है, तो चेक कर लें, मैं आपकी जगह बता दूँ जी, बोल ठीक है। क्या आप बाकायदा तौर पे तहरीरी दरखास्त भी देंगे जो करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, और दूसरी बात आप समझते हैं कि पीटीआई और हुकूमत की अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अब उनको सबसे पहले खुद ही इंटरव्यू करना चाहिए, और उनकी इंटरवेंशन के लिए बहुत सीधी चीज है कि एक आदमी चाहे वो मैं हूँ आप, ये दो कानून ये तासुर सियासतदान ने किया है, पीटीआई की सपोर्ट करी होगी, ये तासुर दे के सियासतदान ने भेज दिया है कि पीटीआई की पुष्ट की रिकॉर्ड खड़ी और गवर्नमेंट की पुष्ट एस्टैब्लिशमेंट खड़ी, और खुद निकल गए सियासतदान बड़े प्यार से और आमने सामने खड़ा, गलत परसेप्शन ना तो एस्टैब्लिशमेंट का वास्ता है कि मंसूर साहब या राजीव भाई साहब कंट्रोल करें, करें नहीं करें, जो जिसका जो जाकिर
गवर्नमेंट का भी काम है कि अपने पैरों पे खड़ी हो, अपना बोल ले। ये ना गए, हमें तो पता ही नहीं था, पार्लियामेंट के अंदर पुलिस चली गई, वजीर को भी नहीं पता था, आईजी को नहीं पता था, ऐसे और गरीबों की मनमानी ना करे कि एसएसपी को सस्पेंड कर दो, एसएसपी को सस्पेंड कर दो, ना ही कोर्ट्स बुलाकर हमारी पुलिस की तस्दीक करें, ना चीफ मिनिस्टर्स करें, ना मिनिस्टर्स करें, ये वर्दी में मोटी मोटी वर्दियां पहन के थोड़े से तनाए मेरे आप जैसे लोगों को तकलीफों में खड़े होते हैं। तनख्वाहें आपने इनकी इतनी दी हुई है कि रिश्वत कंपल्शन उनके लिए बन गई है, 500 रुपए वो किसी गाड़ी वाले से ले तो कैमरे के अंदर हम उसके कपड़े उतार देते हैं, लेकिन 5 खरब कमाने वाले आदमी को हम साथ खड़े होकर तस्वीर नहीं चाहते। ये माइंड सेट अब हमें चेंज करना होगा और करेंगे इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट शुड टेक नोटिस इस वायलेंस का, ये नो गो एरिया का, जहाँ कानून मना कर रहा है उस पर खड़े होने का, और जो हमारे मुल्क में अभी डेवलपमेंट से रिलेटेड लोग आ रहे हैं हेड ऑफ स्टेट, उनकी उनको इम्प्रेशन देने का भी, आप दुनिया में क्या जानते हैं, यहाँ तो कोर्ट नहीं है भाई, इस्लामाबाद यहाँ तो समुद्र नहीं है, आप मजाक बना रहे हैं, आपने IMF को लेटर लिखा था रेलवे साहब को ताकि पाकिस्तानी तकलीफ खत्म हो, आप अंग्रेजों को लेटर लिख रहे हैं, वैसे आप कह रहे थे साइबर हिला हिला के मुझे गुलामी नाम हो, आप खुद जहनी गुलामी से तो बाहर आए और PTI के सपोर्टर्स भी बाहर आए और सही दिखाए उसको भी बचाए, मेरी तो दुआ है कि उसको भी अल्लाह ताला अकल दे दे कि वो इस चांद ग्रहण और चांद और सूरज और कच्चा गोश्त और बीफ और मटन से अगर तकदीरें बदल जाती और बादशाह मिल जाती और प्रेसिडेंट बन जाता और प्राइम मिनिस्टर बन जाता तो सर फिर मैं और आप ही नहीं काम करें। फौज का नाम हम ले रहे हैं, जाते भी हैं और लेते भी नहीं है, ले भी नहीं सकते, डर लगता है आपको तो नहीं लगता, हमें लगता है ठीक हो गया। फौज का किरदार भी किसी से डका छुपा नहीं है, अगर इस पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है तो फौज ने ही पहुँचाया, चाहे उसको आप अच्छे मुंह से लिखे हैं या गलत, दोनों सूरतों में उनका किरदार है। मेरा सेकंड सवाल ये है कि आपकी बात हुकूमत को मानते हैं, आप उनको तो बशरा दें कि अगर PTI या इमरान खान या उनके जो पार्टी के कहीं के लिए वो एहतियात करते हैं, वो जलसा करते हैं, अगर जलसे के लिए उनके लिए जगह मुख्तस की जाती है तो वहाँ पर उनको करने दिया जाए, अगर वो एहतियात की कहाल देते हैं, मान लिया कि यहाँ हम नहीं आते नीचे और नहीं आने देते, कोई और उनके लिए जगह मुख्तस कर, ये मशवरा तो आप दे सकते हैं, मशवरा भी दे दिया, अमल भी हो जाएगा और हुक्म करें सर। अंदर खाने क्या होता है, जो दिखता है वो बिक्री रहा होता है, जो बिक रहा होता है वो दिखता नहीं है। फैजल साहब आपकी गुफ्तगू में टाइम फैक्टर वाली बात मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, आप या थोड़ा सा इसकी वजाहत कर देंगे कि टाइम फैक्टर आप इंटरनेशनल सिनेरियो में कर रहे हैं या नेशनल सिनेरियो में बात कर रहे हैं, क्योंकि एक धरना चाइनीज सदर के यहाँ पे आने पर होता है, अब ये दोबारा फिर चाइना का शंघाई कॉन्फ्रेंस और ये उसके ऊपर आप कत्लो गारत का खच्चा जाहिर कर रहे हैं, ये जरा थोड़ी सी तशरीह बस दोनों में टाइम आपकी बात बड़ी मजा और जबरदस्त बात है, इसकी दोनों टाइमिंग बड़े इंपॉर्टेंट। जब भी पाकिस्तान में कोई बिक्री की तरफ चलते हैं तो आप देखें PTI खतरी बचाने पागल हो जाती है, अभी होना अभी होना, कुछ दिन कुछ दिन कुछ दिन कुछ दिन गवर्नमेंट को निकाल कर चलना, कुछ दिन समझदार है, उस दिन वो लोग हैं जो ये लाशों पर खेल खेल रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नंबर एक, नंबर दो ये कि कभी आज खानी मुद्दा लेकिन आप बात छेड़ ली, कभी ये पूछे कि पाकिस्तान यहाँ तक डूबा कैसे, 2013 में जब मियां साहब की हुकूमत थी $53 बिलियन का सरमाया का चाइना ने कमिटमेंट किया कॉरिडोर का, जब वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, ना रोड है ना बिजली है ना पावर हाउस ना कुछ है, उन्होंने कहा हमें 25 बिलियन ले लें फर्स्ट फेज, जब ये हो जाएगा तो हम अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगा लेंगे पाकिस्तान में। 2018 वो जो एक चकूड़ा है जो घुमा हुआ है जो गाय अच्छे शरीर कतर के बाद नजर ही नहीं आ रहा वो आ गया 2018 में इमरान खान की हुकूमत में, हम जैसे गधे घोड़े सारे ही मिनिस्ट्री के अंदर आ गए, वो गुणेदार था जो गायब है आज तक, पूरा मुल्क ढूंढ रहा है कि वो कहाँ है, अच्छा शरीर के केस के मुराद की बात है, वो बन गए इसके वजीर, उन्होंने कहा चोर 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 चोर, जबकि चारों तरफ चोरी थे हमारी हुकूमत में, 5-7 ही को इजाजत चोरी करनी, तो चाइना ने वो
बैलेंस का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जब बैलेंस का इन्वेस्टमेंट नहीं किया सेकेंड फेज का और कंसिस्टेंसी पॉलिसी की नहीं लाए, तो $25 बिलियन जो पहले फेज में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के मिले थे, आज तक 60% सूद इस मुल्क के अंदर उसका पे किया जा रहा है, क्योंकि आपने चोर चोर का आपने PIA बिठा दी, चोर 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 PIA के पायलट को काय सारी जाली डिग्री, आज तक PIA दबाव पायलट दबाव बर्बाद हो गए, पूरी दुनिया में झगड़ा साहिब उसमें हो सकता है मुखी बन लो 5% 10% 15% आपने 85% कर दिया, आप जहाज ला बैठा आपको लगता है यार जो PIA मैं तो दिल से सुना है मैं PIA पर डरा नहीं गया, आज PIA का बड्डा बना दिया, आज PIA की बिल्डिंग का हाल क्यों है, क्योंकि आपने तरीके इंसाफ में चोर चोर जारी डिग्री है, चोर आपके बराबर बैठ रहे थे, 190 बिलियन का डाका आपने बैठ के डाला, काबीना से वो काम कराए जो कोई नहीं करा सकता, आपने जो SROs निकाले मैं आपके सामने SROs भी रखूंगा जिसमें एक एक कंपनी को अरबों रुपए का फायदा दिया, एक एक SRO टेलर मेड के फैसल आएगा वो ये कोट पहनेगा यूं पानी बोतल पकड़ेगा यूं माइक साथ के सामने बैठेगा इसके साथ SRO निकाल, तो आप हमाम में तो किसी के कपड़े नहीं है, आप ये कह सकते हैं इसे 100 रुपए की चोरी की थी, मैं 90 की है 50 की है, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट आप कहा कि आप किसी को लाइक करें किसी को डिसलाइक करें। अच्छा गुजारा साहब आप आखिरी सवाल लिखिएगा कि आपकी बातों से खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला गंडा पुर को डी चौक में जल की इजाजत निश्चा, अब क्या समझते हैं वो खुद भी निश्चा है ना, समझा करो ना भाई हर चीज पूछ लेते हो नाराज हो जाएगा मेरा भाई।